कोरोना काळना आ कपरा समयमां ऑक्सिजननी અછતનો દેશભરમાં સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। શહેર શહેર ઓક્સિજનની અછતના કારણે લોકો દમ તોડી રહ્યા છે તેવા દ્રશ્યો વારંવાર સામે આવી રહ્યા છે। આ બધા વચ્ચે દિલ્હી માટે રાહતની ખબર આવી સાઉદી અરબથી। દિલ્હી માટે સમુદ્રી રસ્તે જહાજના માધ્યમથી અદાણી મુંદ્રા પોર્ટ પર મોટા પ્રમાણમાં લિક્વિડ ઓક્સિજન આવી પહોંચ્યો। एक सौ चालीस MT लिक्विड ऑक्सीजन साउदी अरबे जहाज ना माध्यम थी भारत ना मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचाड़ियो छे। अने आ माटे मोटी संख्या में लिक्विड ऑक्सीजन ने ट्रेन ना माध्यम थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस थी दिल्ली पहुंचाड़ायो। ट्रेन गुजरात थी दिल्ली माटे रवाना थई अने ऑक्सीजन दिल्ली ने पहुंचाड़ायो। आज रात करीब 23 बजे एक वेसल बर्थ होगा UAE से MICT में, मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में, जो बीजी वर्ल्ड का है, मुंद्रा पोर्ट में। उससे 7 टैंक कंटेनर्स उतारे जाएंगे, जो फिर ट्रेन में लाद कर तुरंत ही वहाँ से मिडनाइट में रवाना कर दिए जाएंगे नॉर्थ इंडिया के लिए। यह मुंद्रा से चलने वाला पहला ट्रेन बेस्ड ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का डिस्पैच होगा। हमें इसेंशियल सर्विसेज के रूप में ना ही सिर्फ लोगों का यहाँ से यातायात कहीं पर जाने के लिए शुरू है, उसमें आप इलेक्शन जैसे चल रहे हैं तो BSF के इलेक्शन स्पेशल्स हों या कोई माल हो, फूल से लेके इसेंशियल आइटम जैसे खाने की चीज़ें, नमक हो, एडिबल ऑयल हो, ये सारी चीज़ों का यातायात लगातार रेल से जारी है। इसके अलावा अब हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के रूप में एक ट्रेन चलाई है जो बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट पाथ पर चलती है, जिसे किसी मेल एक्सप्रेस के प्रेसिडेंस भी नहीं दिया जाता, मतलब राजधानी भी होगी तो भी उसके पीछे चलती है। ऐसे प्रायोरिटी देते हुए हम ऑक्सीजन भी देश भर में जहां इंडस्ट्रीज़ हैं या कहीं से इंपोर्ट हो रहा है वहां से देश के हर कोने में जहां ज़रूरत है एज़ पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे जल्द से जल्द पहुँचाने का काम कर रहा है। ઓક્સિજનની અછતને ધ્યાનમાં રાખતા ભારતે ઓક્સિજન મૈત્રી ઓપરેશન અંતર્ગત ઓક્સિજન કન્ટેનર અને ઓક્સિજન સિલિન્ડર હાંસલ કરવા માટે તમામ દેશ સાથે સંપર્ક સાધ્યો છે। સાઉદી અરબે આ મુશ્કેલ સમયમાં ભારતને ખુલીને મદદ કરી છે। કચ્છથી કૌશિક કાંઠેચાનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।